आदरणीय सभापति जी, हर बार एक ही गाना गाया जाता है समाज के कुछ वर्गों को भड़काने के लिए, बिना हकीकतों को ऐसे वाक्य बोल दिए जाते हैं। मैं जरा देश के सामने कुछ हकीकतें बोलना चाहता हूं और मुझे विश्वास है मीडिया इस ऐसे विषयों पर जरा डिबेट कर ले ताकि पता चले। आदरणीय सभापति जी, यहां पर सरकारी कंपनियों को लेकर हम ऊपर भांति भांति के आरोप लगे, क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, सिर पैर माथा कुछ नहीं बस लगाते चलो। अब देखिए, देश को याद है मारुति के शेयर का क्या खेल चल रहा था उस जमाने में, हेडलाइन बना करती थी मारुति शेयर का क्या चल रहा था। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, वो उनको वहां तक पानी पहुंचेगा कि शायद यहाँ पर करंट लग जाएगा, इसलिए मैं वहां तक जाना नहीं चाहता। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, देश को जानना जरूरी है। आदरणीय सभापति जी, मैं तो आजाद भारत में पैदा हुआ हूं, मेरे विचार भी आजाद है और मेरे सपने भी आजाद है। तो गुलामी की मानसिकता को जीने वाले हैं उसके बाद और कोई चीजें नहीं है, वही पुराने कागज लेकर लेकर के घूमते रहते। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने कहा कि हमने पीएसयू बेच दिए, पीएसयू डुबो दिए, बाती बाती की बातें यहां सुन और वरिष्ठ लोगों के मुंह से सुन रहा था। याद कीजिए, बीएसएनएल एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन थे, वो कौन सा कालखंड था जब बीएसएनएल एमटीएनएल बर्बाद हो चुके, जरा याद कीजिए एचएएल उसकी दुर्दशा क्या करके रखी थी बर्बादी, और जाकर के गेट पर भाषण देकर के 2019 का चुनाव लड़ने का एजेंडा तय होता था एचएएल के नाम पर, जिन्होंने एचएएल को तबाह कर दिया था वो एचएएल के गेट पर जाकर के भाषण झाड़ रहे थे। आदरणीय सभापति जी, एयर इंडिया को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, ये हालत कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी और यूपीए ये 10 साल की उनकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकते, देश बड़ी भांति जानता है। और अब मैं हमारे कार्यकाल के जरा सफलता की बात बताना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, आज जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, एचएएल के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग एचएएल के रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एचएएल, जिसको लेकर के इतने जो होल्ले चलाए। और कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी एचएएल बन गई, कहां छोड़ा था कहां जाके लगाया हमने पहुंचाया। आदरणीय सभापति जी, एक कमांडो यहां नहीं है, एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे, एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया, जितनी गलत बातें एलआईसी को ले बोलनी चाहिए बोली, और तरीका यही है किसी को बर्बाद करने, अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ। और टैंगड़ी भाई है, गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो लेकिन हाथ ना लगता हो तो फिर हवा फैला देते, ये भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है
ऐसी हवा फैला देते कोई लेता नहीं, फिर कोई जाकर के लपक लेते। LIC क्या क्या चलाया। ABP News आपको रखे आगे।